हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं एक्सिस मॉल चली आई, बहुत दिन से आई नहीं हूँ और यहाँ का जगह मुझे बहुत पसंद है। ये यहाँ पे बहुत सारा मॉल भी है, ये होम सेंटर मेरे पीछे एक्सिस मॉल भी है, सेंट्रल है और बड़ा बड़ा होटल नोवोटेल लेमन ट्री सब यहाँ पे ही है। और यहाँ का एरिया जो है मुझे बहुत पसंद है, घूमने में अच्छा लगता है। शॉपिंग तो करने नहीं आई हूँ, घूमने ही आई हूँ, वही दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखो, दो बड़ा बड़ा होटल है, ये नव होटल है, ये लेमन ट्री है। और ओवरपुल के नीचे भी एक कैफ़े है, बहुत अच्छा है, वो भी दिखाऊंगी आप सबको। ये एक्सिस मॉल का बाहर का एरिया है, तो एक्सिस मॉल का बाहर ये एरिया है। यहाँ पे बाइक पार्किंग होता है, तो यहाँ पे एक घंटे का 10 रुपया लेता है। तो मैंने मेरा स्कूटी पार्क कर लिया है, अभी जा रही हूँ एक्सिस मॉल की तरफ। अभी थोड़ा भूख भी लग चुका है, पहले सोच रही हूँ कुछ खा लूँ, उसके बाद मॉल के अंदर जाऊँगी, तो क्या मिलता है देखते हैं। जो है वो गेट नंबर 2 पे है, तो गेट नंबर 2 पे ज़्यादा खाने की दुकान नहीं है, तो गेट नंबर 1 की तरफ खाने की दुकान है, तो वही जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये देखो मेरा पीछे है ये एक्सिस मॉल पूरा बड़ा। ये देखो एक्सिस मॉल का बाहर का नज़ारा। कोलकाता में आके एक चीज़ मैंने फॉलो की है, यहाँ पे ज़्यादा बाइक और स्कूटी से कार भी, फोर व्हीलर ज़्यादा लोग चलाता है, बहुत फोर व्हीलर का लाइन लग चुका है यहाँ पे। तो मुझे तो स्कूटी बाइक ही पसंद है, मैं अपना स्कूटी लेके चली आई यहाँ पे घूमने के लिए। ये देखो यहाँ पे बहुत सारा खाने की दुकान है रस्ते के दो साइड पर, तो यहाँ से ही कुछ खा लेते हैं। चिकन लॉलीपॉप और चिकन पकौड़ा ले लिया है, अच्छा ही लग रहा है देखने के लिए, देखने में। तो ये नव होटल देखो कितना बड़ा है, सुंदर भी लग रहा है लाइटिंग होने से। यहाँ पे और एक चीज़ है, इतना बड़ा बड़ा सा फ्लैट, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा सा फ्लैट है, एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह लगता है, क्या बहुत अच्छा लगता है देखने में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा फ्लैट, तो अच्छा ही लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो रास्ता है इतना क्लीन रहता है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे आके तो मैं रील भी बना चुकी हूँ, वो भी आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड इतना अच्छा लगता है, तो आके रील बनाना तो बनता ही है, मैं भी बना लेती हूँ रील, अच्छा लगता है बनाने। तो यहाँ पे साइकिल भी रेंट पे मिलता है, कोई कोई देख रही हूँ साइकिल लेके घूम रहा है, तो उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो वो भी देखने में मुझे अच्छा लग रहा है, हर कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई साइकिल लेके घूम रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं तो पेट पूजा कर लेती हूँ उसके बाद। तो मॉल में तो मास्क कंपल्सरी है, तो मास्क पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं मास्क नहीं पहन रही। तो चलो अभी खाना खाना हो गया, अभी अंदर जाते हैं देखते हैं। और यहाँ पे कि ये कैफ़े है, टी कैफ़े, एक दिन यहाँ पे भी आए थे, अच्छा ही बना था, तो डेकोरेशन भी अंदर अच्छा ही है, तो गए थे एक दिन, अच्छा लगा था। तो रोज़ रोज़ तो जाने का मन नहीं करता है, एक दिन गए थे। तो अभी जा रही हूँ मॉल के अंदर, मगर अभी हो रहा है देखो। तो ये है मॉल, यहाँ पे आईपीएल चल रहा है अभी, ज़्यादातर लोगों का आईपीएल पसंद है, तो बड़ा स्क्रीन पे आईपीएल चालू रखा है। तो मॉल के ये रहा मॉल के अंदर, यहाँ बहुत सारा है, स्पेंसर है, टाइटन है, और यहाँ पे पैंटालूंस है, ये ग्लोबस है, तो बहुत बड़ा ही मॉल है। यहाँ पे ऊपर रिलायंस भी है, ये देखो ऊपर। तो यहाँ तो अभी मैं जा रही हूँ रिलायंस में कुछ देखने के लिए,
अगर टॉप वगैरह मिल जाए तो ले लूँगी, नहीं तो देखते आगे नया कलेक्शन है कि नहीं वो भी देखना है, तो देखती हूँ। ओ सॉरी, मैं गलत बोल रही थी, मैंने सोचा यहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स है नहीं सॉरी, मैंने सोचा यहाँ पे मैक्स है, तो यहाँ पे रिलायंस डिजिटल है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज मिलता है यहाँ पे, तो ट्रेंड्स में जाती हूँ, ट्रेंड्स है यहाँ पे, तो ट्रेंड्स में कुछ मिलता है कि नहीं देखती हूँ। भाई टॉप ही लेना है, अगर सेल में रहा तो ले लूँगी, सस्ते में पड़ा तो ले लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। तो कलेक्शन तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ यहाँ से। ये टेस्ट का कलेक्शन है, मुझे मैक्स का कलेक्शन ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैक्स में जाएंगे एक दिन और समर कलेक्शन देखेंगे कैसा आया है। तो ये देखो, ये नीचे का, इस तरह ऊपर से नीचे का नज़ारा, यहाँ पे भी IPL चल रहा है अंदर भी। और ये तो यहाँ पे पार्लर भी है, सैलून भी है, और यहाँ पे ये ज्वेलरी का शॉप है, और यहाँ पे ये देखो खादिम्स, तो बहुत सारा शॉप भी है यहाँ पे सैलून भी है, ये शूज का शॉप भी है, और देखते हैं पर तो यहाँ पे फर्नीचर शॉप भी है, और फर्नीचर अगर देखना है तो होम सेंटर चले जाओ, होम सेंटर में बहुत कलेक्शन है और आपको जाके भी बहुत मज़ा आएगा, इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन होता है। यहाँ पे भी देखो एक सेंटर है फर्नीचर का, तो वहाँ पे जाके एक दिन मैं गई थी, एक दिन ही गई थी, तो वहाँ पे जाके इतना मज़ा आया, इतना सोफ़ा, इतना अच्छा अच्छा सोफ़ा था, तो वहाँ पे अगर बैठ जाओ और एसी की हवा खाओ तो लगता है कि सो ही जाओ वहाँ पे, लेकिन इतना भीड़ भी रहता है वहाँ पे, बहुत बड़ा मॉल है वो उस पर भी जाएंगे अगर आज टाइम मिला तो। तो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अंदर, यहाँ पे भी बहुत बड़ा सोफ़ा का फर्नीचर का कलेक्शन है, अच्छा ही लग रहा है। अभी तो मुझे तो नहीं लेना है, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ मुझे मॉल ऐसे ही आना है, कोई शॉपिंग नहीं करना है, क्योंकि पैसा नहीं है ना जेब में, इसलिए नहीं आए, नहीं किए शॉपिंग, तो आज थोड़ा घूम ही लेते हैं शॉपिंग मॉल आके। तो ये भी इधर भी फर्नीचर का शॉप, वही फर्नीचर, बहुत बड़ा शॉप है शायद, अच्छा लग रहा है। लड़कियों को शॉपिंग मॉल आके ही मज़ा आ जाता है, वो चाहे ले या ना ले, शॉपिंग करे या ना करे, लेकिन कलेक्शन देखते हैं, नया नया क्या चीज़ आया है मार्केट में, वो देखते ही मज़ा आ जाता है। तो फिलहाल मैं अभी घूम रहा हूँ शॉपिंग मॉल के चारों तरफ, तो देख रहा हूँ। और एक बात है, शॉपिंग मॉल आने से बाहर आप निकलो, और लड़की लोग जो ड्रेसअप करता है वो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, तो ये लड़की कौन सा ड्रेस पहनी है, वो लड़की कौन सा ड्रेस, तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आ जाता है, तो वो भी एक चीज़ है बाहर निकलने से देख पाती हूँ। तो मैं यहाँ पे और एक फ्लोर ऊपर चले आए, तो यहाँ पे शॉप वगैरह कम है, यहाँ पे फ्रीज टीवी का LG का शॉप है, और कुछ देख नहीं पा रही हूँ, उधर है कुछ दो तीन शॉप, तो इस फ्लोर में ज़्यादा शॉप नहीं है, बाहर कैफ़े भी है। तो और क्या है, वो बाटा स्कीपर है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, भरा नहीं है, भी खाली पड़ा है यहाँ पे। तो इस फ्लोर में ज़्यादा कुछ नहीं है, चलो फिर और एक फ्लोर है ऊपर, तो वो भी जाते हैं, वो भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अभी फिलहाल घर जा रहे हैं, 8:30 भी बज चुका है, तो बाहर भी जाएंगे उस कैफे एरिया जो बोल रहे थे हम ओवरपुल के नीचे, तो वो चीज़ भी थोड़ा दिखाएंगे आप सब लोगों को। तो अभी जाएंगे घर, और 8:30 भी बज चुका है, तो फिलहाल चलते हैं मॉल से, टाटा बाय बाय। तो एक्सिस मॉल को टाटा बाय बाय। तो इधर भी एक्सिस मॉल के बाहर भी बहुत सारा फूड शॉप भी है, यहाँ पे चाय वगैरह, डोसा वगैरह, मोंगिनीज भी है, यहाँ भी बहुत सारा छोटा छोटा
का शॉप है। और रुको मैं दिखाती हूँ होम सेंटर। तो ये पीछे मैंने बोला था जो फर्नीचर का बहुत बड़ा शॉप है, फर्नीचर बेड वगैरह सब मिलता है, ये रहा होम सेंटर। तो इसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी है, बहुत बड़ा मॉल है ये यहाँ फर्नीचर का। तो सोफा वगैरह फर्नीचर जो ड्रेसिंग टेबल सब मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ के मुझे मस्त लगा था। तो एक दिन जाएंगे ये मॉल, अभी भी जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो घर जाना है तो पहले घर जाते हैं, फिर दूसरा दिन आएंगे तो तब दिखा देंगे कि होम सेंटर में क्या क्या मिलता है। तो ये देखो मैंने दिखाया था ये नॉब होटल, ये लेमन ट्री, और इसके ऑपोजिट एक्सिस मॉल के ऑपोजिट साइड में ये क्लॉक टावर भी है, और यहाँ पे ये सेंट्रल मॉल भी है। सेंट्रल मॉल मैंने एक बार ही गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रहता है, मुझे इतना हाई प्राइस अच्छा नहीं लगता। तो सेंट्रल मॉल में बहुत हाई प्राइस का सामान रहता है, तो मैंने एक बार ही गए थे और कभी भी नहीं गए थे। और ये देखो यहाँ पे ये क्लॉक टावर जो है, इसके यहाँ पे राउंड करके रखा हुआ है, यहाँ पे बच्चे लोग को स्केटिंग भी सिखाता है, 18 साल के नीचे जो बच्चा होता है उसको स्केटिंग भी सिखाता है यहाँ पे। तो और यह का ये देखो रास्ता देखो कितना सुंदर और क्लीन है, यहाँ पे दो साइड का रास्ता, यहाँ पे आके भी मैंने रील बनाया था तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पे इतना सुंदर हवा भी देता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आके मज़ा भी आ जाता है, या इतना सुंदर हवा देता है यहाँ पे आके। और यहाँ पे वो पीछे ग्राउंड भी है, ग्राउंड में भी बहुत सारा लोग आके यहाँ पे अड्डा देता है, खेलता है, तो वो चीज़ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके चुपचाप बैठ जाओ, हवा खाओ शांति से, तो मन एकदम अच्छा हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है मन। और आप लोगों को वो साइकिल स्टैंड के बारे में बोला था ना, साइकिल रेंट में देता है, लोग घूमता है साइकिल लेके, वो स्टैंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वो एक ऐप है, वो ऐप के द्वारा वो साइकिल रेंट ले सकते हो आप। तो वो स्टैंड में दिखाती हूँ, यहाँ पे इतना बहुत सारा साइकिल है, लोग लेके घूमते हैं तो अच्छा लगता है देखने। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल डॉन्किंग स्टेशन। तो ये सारा साइकिल है जो आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप लेके, ये QR कोड लेके आप घंटे के हिसाब से शायद चला सकते हो। बहुत सारा साइकिल यहाँ हुआ है। पे ये ओवर पुल है ऊपर, और ओवर पुल के नीचे ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया है, एक कैफे एरिया है, वो भी एक दिन आप लोगों को साथ शेयर करूंगी, आज टाइम नहीं मिल रहा है, अभी घर जाना है। इस साइड पार्क भी है बच्चों का। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी भी आएंगे, तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।